नमस्कार दोस्तों, ज्ञान का विस्तार चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आप ये वीडियो देखते रहिए अंत तक। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने आधार कार्ड को अपने सिम कार्ड से और बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने की जो आखिरी डेट थी 31 मार्च 2018 अपने बैंक अकाउंट और सिम कार्ड को लिंक कराने की, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इस डेट को अभी अंतकालीन के लिए अभी बढ़ा रखा है। कोई फिक्स डेट नहीं है दोस्तों। तो आप 31 मार्च 2018 के बाद भी अपने बैंक अकाउंट को और सिम कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं बिना ही किसी चिंता लेते हुए। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। और अगर सबसे पहले अगर आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कराना चाहते हैं अपने आधार कार्ड से, तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने नज़दीकी अपने बैंक जहाँ पे आपका बैंक खाता है वहाँ पे जाकर एक बैंक की फ़ोटोकॉपी देकर आधार कार्ड की, उससे आप लिंक कर सकते हैं। और अगर सिम कार्ड को अगर आपको लिंक करवाना है दोस्तों, तो इसके लिए आपको किसी नज़दीकी सिम कार्ड डीलर के पास या जो कि मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर हैं उनके पास जाकर वहाँ पे अपने आधार कार्ड नंबर बताकर अपने बस फिंगरप्रिंट्स देने हैं। और आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS OTP आएगा जिससे कि आपको उसको दुकानदार को बताकर अपने मोबाइल कार्ड को बस लिंक करा लेना। और उसके लिए आपको दोस्तों बहुत ही थोड़े से पैसे देने होते हैं जिससे बहुत ही आसानी से आपका मोबाइल कार्ड सिम कार्ड मोबाइल आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा और बिना ही किसी टेंशन के लेते हुए दोस्तों। तो इसमें आपको बहुत कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं अगर आप बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये भी बहुत आसान प्रोसीजर है। आप एक तो खुद ही घर बैठे हुए ऑनलाइन के तरीके से भी बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं आधार से, नहीं तो आप अपने नज़दीकी कोई भी जिस भी बैंक का ATM है उस ATM में जाकर वहाँ से जाके लिंक करवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को आधार से। ऑनलाइन आधार के वेबसाइट पर भी जाके आप ये अपने अकाउंट को लिंक करा सकते हैं। उसके लिए बस आपको अपने अकाउंट नंबर डालना है और कुछ ज़रूरी डिटेल्स डालकर आपके मोबाइल पे एक SMS OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे बैंक अकाउंट के, और उससे आप इसको अपने आधार कार्ड को लिंक करा सकते हैं बहुत ही आसानी से दोस्तों। तो जिससे कि आपका बैंक अकाउंट और आधार लिंक हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, जिसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और इन फ्यूचर आपको ये बहुत ही काम आएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो